हेलो बच्चों, तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मैम पढ़ने का सही समय होता क्या है। क्या हम सुबह में पढ़े या शाम में पढ़े या दोपहरिया में पढ़े। मैम पढ़े तो पढ़े कब। कुछ बच्चे तो ऐसे जिनका सवाल है कि मैम हम कौनो टाइम पढ़ ले, मन ही नहीं लगता है हमारा पढ़ने में, अब क्या करें। तो जिन बच्चों का मन लगता ही नहीं है उनका तो भैया जय राम जी की, अब उनके लिए तो हम क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो सही समय नहीं समझ पा रहे कि किस टाइम पर हम क्या पढ़ें, किस समय पढ़ाई करें, उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो कहीं मत जाइए, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, मात्र 4 मिनट का, और 4 मिनट में आपको पढ़ने का सही समय हम बता कर जाएंगे। तो जो लोग जुड़ चुके हैं लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने हर दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर कर दे। अब आ जाइए यहां अपने टॉपिक पर। तो हमारा आज का टॉपिक चल रहा है पढ़ने का सही समय क्या होना चाहिए, किस समय हमको पढ़ाई करना चाहिए। देखो बच्चा, अब जब पढ़ाई के सही समय की बात आती है कि समय कौन सा सही है, तो देखो कुछ बच्चे सुबह में पढ़ना पसंद करते हैं, वहीं कुछ बच्चे रात में पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है केवल पसंद करने से पढ़ाई नहीं होगा, आपको देखना है कि सही समय कौन सा, यानी जब 4 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो सुबह में, तो 4 घंटे के दौरान पढ़ने वाली हर एक चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये नहीं कि 4 घंटा बैठ तो गए, 4 घंटा हम रात भर पूरा आज सोच के बैठे कि रात को 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक हम पढ़ेंगे, लेकिन 10 से 12 में जितना कुछ भी याद किए कुछ याद हुआ नहीं, क्योंकि आपकी आंखों में तो नींद था। आप जबरदस्ती पढ़ाई कर रहे हो, तो जो चीजें जबरदस्ती की जाती है ना, कभी भी वो आपके लिए कह सकते यूजफुल हो ही नहीं सकता। आपको जबरदस्ती नहीं करना है, अपने ब्रेन को काम करके काम करना है, काम का मतलब आराम देकर। इसको स्ट्रेस मत दो, ये स्ट्रेस लेगा ना तो पूरे शरीर को स्ट्रेस देगा, और पूरा शरीर जब स्ट्रेस युक्त रहेगा तो भैया पढ़ते वक्त तुमको कभी गर्दन में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा, कभी हाथ में दर्द होगा, ऐसे दर्द होंगे। लेकिन जब आप आराम से, जब अपने आप को काम करके आप पढ़ाई करोगे तो ब्रेन भी आपका आराम रहेगा, ब्रेन को भी आराम मिलेगा, और ब्रेन को जब आराम मिलेगा तो शरीर अपने आप सब कुछ क्या होगा, एकदम तंदुरुस्त ठीक होगा, बढ़िया होगा। अब आइए अपने टॉपिक पर। यहां पर हमने कहा कि पढ़ाई दो समय सब बच्चे ज्यादातर सुबह और रात में कंफ्यूज रहते हैं। सुबह में जो लोग सुबह में पढ़ने वाले, जिनको सुबह में पढ़ना पसंद है, वो क्या कर सकते हैं, 4 बजे वाला स्लॉट ले सकते हैं, 4 से 8, 4 से 8 वाला, 4 से 8 वाला जो स्लॉट होता है ना, बढ़िया है याद करने के लिए चीजों को। इस समय में आप जिन जिन चीजों को याद करोगे लंबे समय तक आपको याद रहेगा। याद रखिएगा, साइंटिफिकली प्रूव है कि जब हम सोते हैं हमारा शरीर एकदम आरामदेह रहता है, जब हम उठते हैं तो नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ उठते हैं, और उस दौरान अगर आप जिन भी चीजों पर फोकस करोगे, जिन भी चीजों को याद करने की कोशिश करोगे, वो चीजें आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीके से याद होंगी। वहीं पर जिन लोगों को रात में पढ़ना पसंद है, वो 10 बजे से लेकर के 12 बजे वाला स्लॉट एकदम बढ़िया वाला बुक कर लो कि इस स्लॉट में पढ़ाई करो। इस समय लिख लिख कर याद करना बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। जिन चीजों को आप लिख कर याद करते हो वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। याद रखिएगा, सुबह में आपको बोल बोल कर पढ़ना है और रात में लिख लिख कर आपको पढ़ना है। ये दो तरीके, दो समय, और दोनों समय पर दो अलग तरीके से पढ़ाई आप लोगों को करनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि रात में हम बोल बोल कर याद करें, नहीं याद होगा, ठीक है, रात में आप कोशिश करके देखना, बोल कर याद करोगे कुछ चीजें घुसेंगी कुछ चीजें गायब। लेकिन वहीं पर अगर रात में आप लिख रहे हो, कोई क्वेश्चन का आंसर याद करके तुरंत नोट डाउन कर रहे हो कॉपी में, तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। रात के समय में कोशिश करिए वन शॉट, जितने भी आपको वीडियोस के वन शॉट देखने, चाहे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, आप रात में वन शॉट बनाओ, क्योंकि वन शॉट बनाओगे तो आप नोट्स बनाते हुए चलोगे, तो वन शॉट देखते चलो नोट्स बनाते चलो। रात में फोन का इस्तेमाल ठीक है, लेकिन कोशिश करिए जब सुबह के स्लॉट में आप पढ़ाई कर रहे
हो उस दौरान फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। उस समय आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक्स हो, जो भी नोट्स हो या फिर किसी भी तरीके का किताब हो तो उनसे ही पढ़ने की कोशिश करिए, फोन का इस्तेमाल मत करिए। उस दौरान सुबह सुबह अगर आप फोन का इस्तेमाल करते हो, फोन से निकलने वाली जो रेज है वो आपके एनर्जी को डाउन कर देंगी। तो उस दौरान अगर आप फोन का इस्तेमाल करोगे तो भैया लॉस ही होगा। और इस समय पे आप फोन से क्या कर सकते हो, वन शॉट देखते हुए नोट्स बना सकते हो। तो हमने आपको दो समय बताया और दोनों समय के किन किन चीजों का बेस्ट आपको रिव्यू मिलता है, मतलब किन चीजों को अप्लाई करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया। पढ़ते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज आपको लेट कर नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे आराम से बेड पर लेट जाते हैं, कुर्सी पर पैर फैलाकर नहीं, पढ़ने का सही तरीका आप कोशिश करो टेबल और कुर्सी लगाकर बैठो। क्योंकि जब आप बैठोगे, आप बैठने वाले पोजीशन में जब आप रहते हो तो उस वक्त हमारी जो नसें हैं, ब्रेन्स जो जुड़ी हुई नसें हैं, उनमें क्या होता है, अलग सा एक एनर्जी उत्पन्न होता है जो ब्रेन को एक्टिव रखने में मदद करते हैं। और अगर आप लेट कर पढ़ोगे तो उस वक्त उनको, हमारी नसों को आराम मिलेगा और उनको जब आराम मिलता है तो वो क्या करते हैं, सोने के लिए आपको प्रेरित करेंगे कि चलो आराम कर लो, सो जाओ। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है, आपको इन चीजों को करने से बचना है। दूसरा, आप जब भी पढ़ाई करो, बहुत सारे बच्चे क्या है, एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है लेकिन कई सारे बुक्स कॉपीज अपने पास रख देते हैं, तो वो काम आपको नहीं करना। 10 तरह का किताब नहीं रखना। अगर आप फोकस करके बैठो कि अगर हम 10 बजे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो 10 बजे हमको बायोलॉजी का वन शॉट देखना है तो केवल बायोलॉजी का ही किताब अपने पास रखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं। अगर आप 10 किताबें अपने आसपास रखोगे तो आपका मन भटकेगा, कभी थोड़ा सा बायो पढ़ोगे, जब बायो नहीं समझ में आएगा तो तुरंत फिजिक्स ओपन कर लोगे। तो ये काम करने से आपको बचना है। कोशिश करिए अपने टेबल पर जिस सब्जेक्ट का आपको पढ़ाई करना है केवल उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स, नोट्स आपके टेबल पर होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरीके के नोट्स बुक्स को अपने आसपास मत रखो। तीसरा, जिस भी जगह पर आप बैठकर पढ़ाई करते हो कोशिश करिए कि वो हमेशा क्लीन होना चाहिए। बहुत लोग गंदगी में बैठकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि भी कहकर गए हैं कि अगर तन और इस पढ़ने वाला कुर्सी टेबल साफ नहीं है तो याद रखना तन में बीमारी और कुर्सी, जिस टेबल पर आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हो उस पर पढ़ने से विद्या नहीं आएगा। यानी आपको दोनों की साफ सफाई, तन की भी सफाई और अपने जिस भी जगह काम करते हो, जिस भी जगह पढ़ाई करते हो, उनको हमेशा साफ रखना चाहिए। तो इन चीजों को जरूर फॉलो करिए वरना दिक्कत हो जाएगा। और जो लोग भी वन शॉट देखते हैं, कोई भी वीडियो अगर लाइव देख रहे हो तो केवल अगर वीडियो देखोगे ना तो वो मूवी की तरह रहेगा, ऐसा लगेगा कि आप मूवी देख रहे हो। तो आपको मूवी नहीं देखना, आपको पढ़ाई करना है। तो जब भी किसी का भी वीडियो, हम अपना नहीं कह रहे, किसी का भी वीडियो देखिए, कोई भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो देख रहे हो, अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन जरूर रखो। और वो जो चीज भी अपने बोर्ड पर लिख रहे आपको आ रहा हो फिर भी आप अपने कॉपी में उस चीज को नोट डाउन कर लो, क्योंकि आज आपको आ रहा है हो सकता है 2 महीने बाद भूल जाओ। तो उस वक्त आप जैसे ही नोट्स ओपन करोगे आपको चीजें याद आ जाएंगी, अरे निधि मैम ये बताई तो थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना और इन चीजों को फॉलो करना है अच्छा मार्क्स लाने के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जहां पर हमने आपको पढ़ाई का सही समय बताया और किस समय पर किस तरीके से पढ़ाई करना है ये भी समझाया। अब आप लोग डिसाइड करो कि आपको सुबह में पढ़ना है या रात में या दोनों टाइम पढ़ना है। लेकिन याद रखना पढ़ो उतना ही, हम ये नहीं कहेंगे कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ो, ठीक है, 10 घंटा नहीं 2 घंटा ही पढ़ो, लेकिन 2 घंटे में पढ़ा हुआ हर एक चीज आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। 10 घंटा 12 घंटा समय मत देखिए कि हम 8 घंटा पढ़े, हम 9 घंटा पढ़े, आप ये देखो कि 8 से 9 घंटे में आपने कितना पढ़ा, ठीक है। जो चीजें 8 से 9 घंटे पढ़कर भी नहीं हो पाएंगी, कुछ बच्चे वो 4 घंटे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इफेक्टिव तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है, अपने पढ़ाई को शानदार बनाना जरूरी है। तो इसमें तो सिर्फ इतना ही बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा जहां पर हम डिटेल में इसी तरीके से आपके ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।